श्री स्वामीनारायण, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर 3 सिटीजनशिप। माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिटीजनशिप। Who is called citizen? Generally, a person who lives in a city is called citizen. A person who born in own country is also called citizen. अब विद्यार्थी भाइयों, आज हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सिटीजन कौन होता है? जो व्यक्ति जिस शहर के अंदर रहता है उसको वहाँ का सिटीजन कहते हैं। जनरल मीनिंग है, जिस देश के अंदर जिसका जन्म हुआ, जहाँ वो रहता है, उसे हम सिटीजन कहते हैं। अवर चैप्टर स्टार्ट विथ देयर इज ए डिस्कशन बिटवीन राजल एंड His grandfather or is with his family. It was the day of Sunday. उस दिन कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। आप enjoy करते हैं Sunday को? You enjoy होली फुल डे। But राजल को उसके जो family जो head हैं grandfather, he told him, inspired him, उसको inspire कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, सबसे जो smallest unit है society की, family के बारे में। राजल को questioning करता है, ask the question to the grandfather, क्या each member की क्या duties होती है? आप भी अपने घर में अपने पेरेंट्स को हेल्प करते होंगे, अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अपनी फैमिली के मेंबर्स को, मतलब ब्रदर सिस्टर, कुछ न कुछ आप हेल्प करते होंगे और वो आपको हेल्प करते होंगे। मतलब वी आर डिपेंड ऑन ईच अदर, फैमिली के हर मेंबर एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। इस तरह परिवार की जो स्थिति है वो चलती रहती है। एवरीवन हैव ड्यूटीज, हर मेंबर की ड्यूटी होती है वो एक दूसरे को हेल्प करें। तो हियर राजल एंड हिज फैमिली के बारे में डिस्कस होती है और वहां दादाजी उससे बोल रहे हैं, यू मस्ट ऑल्सो बी हेल्पिंग योर फैमिली मेंबर्स व्हेन देयर इज ए वर्क टू बी डन। जब भी जरूरत पड़े तो तुम्हें भी, मतलब राजल को समझा रहे हैं और राजल के माध्यम से हमें समझा रहे हैं वो, कि हमें अपने परिवार को हेल्प करनी चाहिए जो हम हेल्प कर सकते हैं। है ना, जो छोटी मोटी हेल्प होती है उस हेल्प को हमें करना चाहिए, ये बात हमें सजेस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट उन्होंने जो यूनिट है हमारी फैमिली, फैमिली मतलब कौन है, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, और कई बार तो जॉइंट फैमिली होती है, उसमें अंकल आंट ऑल आर देयर। और इट इज़ अवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें एक दूसरे के प्रति हेल्प करनी चाहिए। अब हियर फर्स्ट डिस्कस, दादाजी राजल को बता रहे हैं कि व्हाट इज फैमिली, फैमिली होता क्या है। है ना, फैमिली आप सब, हम सब फैमिली में रहते हैं, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। लेकिन फैमिली की डेफिनेशन क्या है? तो व्हाट इज ए फैमिली, इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन। क्या बताया गया है? फैमिली एक सामाजिक संस्था है, विच द चाइल्ड कम्स फर्स्ट इन टू द कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट। जो बालक सबसे पहले जन्म के बाद में कांटेक्ट में आता है वो ऐसी संस्था है। जन्म लिया तो सीधे सीधे हम हमारे फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में आते हैं। कौन होता है? मदर होते हैं, फादर,
ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी मेंबर हो, उनके सबसे पहले कांटेक्ट हम उनके, वैसे तो सबसे पहला कांटेक्ट होता है मदर से, है ना। सबसे पहला जो कांटेक्ट होता है मदर, मतलब फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट में हम आते हैं। शुरुआती दौर में आते ही हम घूमने और दौड़ने नहीं लग जाते हैं। तो फर्स्ट कांटेक्ट क्या बताया है, तो ये लाइक कम्स इनटू कांटेक्ट विद फैमिली। तो फैमिली को क्या बताया गया है, फैमिली इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन विच द चाइल्ड कम फर्स्ट इनटू कांटेक्ट विद। जो सबसे पहले कांटेक्ट में आता है वो फैमिली से आता है। द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में वो किससे सीखता है, अपने परिवार के मेंबर से। द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फैमिली, फैमिली से समाज के बारे में सीखता है। देयरफॉर फैमिली इज कॉल्ड, इसलिए फैमिली को क्या कहा जाता है, द स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्कूल इज कॉल्ड द स्कूल ऑफ कल्चर, फैमिली इज कॉल्ड स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। माई क्वेश्चन टू यू, वाई द फैमिली इज कॉल्ड स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। द आंसर इज दैट द चाइल्ड लर्न्स अबाउट सोसाइटी फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द फैमिली। देखो बालक जो कुछ भी समाज के बारे में सीखता है वो अपने परिवार से सीखता है। जो समाज के बारे में उसको ज्ञान या अध्ययन होता है वो किससे होता है, अपने परिवार से। सो अगेन इट इज कॉल्ड स्कूल ऑफ कल्चर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अ फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के सबसे छोटी यूनिट कौन है, तो फैमिली है। फैमिली, फिर कई फैमिली मिलकर के मोहल्ला बनते हैं, कई मोहल्ले मिलकर के गांव बनते हैं, गांव से तालुका, तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट्स बनते हैं, और स्टेट्स मिलकर के नेशन, और कई नेशन बनकर के वर्ल्ड, विश्व बनता है। तो इसलिए सबसे जो सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट जो है और वह है फैमिली। अब ए फैमिली ऑल्सो टीचिज अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फैमिली हमको क्या सिखाती है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, म्यूचुअली एक दूसरे की हमको जरूरत होती है। अब आप कहोगे मुझे सर फैमिली की जरूरत नहीं है, इट इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। यूर यू नीड, आपको पेरेंट्स की जरूरत है, यू नीड पेरेंट्स, है ना, तभी आप बड़े, तभी बड़े हुए तुम चलना सीखे, पढ़ना सीखे, खाना सीखे, सब कुछ क्या है, किसकी वजह से, परिवार की वजह से, मम्मी पापा की वजह से आपको नरिशिंग करते हैं, बेटर नरिशिंग करते हैं, तब जाके आप स्कूल आ रहे हो, आपको स्कूल एडमिशन करवाना है, ये करवाना है। तो फैमिली मेंबर ऑल्सो टीचेस क्या सिखाते हैं हमको, दैट वी आर म्यूचुअली, आपसी हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ए फैमिली ऑल्सो टीचेस अस दैट वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Each and every member of family ought to help each other. अब दादा उनको ये भी सिखाते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे को help करनी चाहिए, है ना? Ought to, every member of family ought to help each other. Society is based on the principle, किसके सिद्धांतों पे होती है, cooperation. समाज के लोग क्या चाहते हैं,
कोऑपरेटिव, दूसरे को कोऑपरेट करें। इट बिगिंस विथ फैमिली, और शुरुआत किससे होती है? हमारी फैमिली से। ये सब कुछ कौन सिखाता हमको? परिवार सिखाता। अगर हम परिवार में एक दूसरे से कोऑपरेट करना सीखेंगे तो डेफिनेटली वी कैन इन सोसाइटी, ये काम हम कहाँ कर सकते हैं? सोसाइटी, वी कैन डू इन द सोसाइटी। लेकिन यह जब कब होएगा? जब हम अपने परिवार में इसको सीखे होंगे। सो व्हाट द सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल इट मीन सिद्धांत, किसके सिद्धांत पे बसा हुआ है? कोऑपरेशन। किसके आधार पर है ये? कोऑपरेशन, एक दूसरे के सहयोग। एंड ये सब कुछ हम परिवार से सीखते हैं। There is always mutual impact, mutual आपसी प्रभाव पड़ता है by the ideas and attitudes of family members. Family member का जो idea है, उसका attitude है, वो family के ऊपर depend करता है। It's depend on the family कि किस तरह की फैमिली है, क्या है, उसका ideas कैसा है, उसको एक दूसरे की help की जाती है नहीं की जाती है, किस तरह का मेंबर होगा, है ना। सम पीपल के कोई उसके परिवार में ऐसा, इसलिए ऐसा है। तो कहने का मतलब क्या है? आइडियाज एंड एटीट्यूड फैमिली मेंबर्स म्यूचुअली इंपैक्ट करता है, एक दूसरे के ऊपर प्रभावित करता है एक दूसरे। वी लर्न एटिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट एटिकेट सीखते हैं। मैनर्स, वी लर्न मैनर्स फ्रॉम फैमिली। एंड तो अगेन वी लर्न एटिकेट एंड मैनर्स फ्रॉम फैमिली। हम फैमिली से ही अपने एटिकेट और अपने मैनर्स को सीखते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ फैमिली हेल्प्स इन द मेकिंग डिसीजन। अब कोई भी डिसीजन लेना है, हमें अच्छा डिसीजन लेना है, बुरा डिसीजन लेना है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? इट्स डिपेंडेंट ऑन द फैमिली, फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। जैसी फैमिली होगी, हम ऐसे आइडियाज रखेंगे, ऐसे डिसीजन लेंगे विच मे और मे बी नॉट इन एक्सपेक्टेबल। कुछ चीज़ें जो होगी, जो हम अपने परिवार में यदि गलत होता होगा तो हम गलत चीज़ को भी स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर हमारा परिवार में अच्छे वर्क होते होंगे, अच्छे से कार्य होते होंगे, तो कभी हम बुरे चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वी नेवर एक्सपेक्ट दिस थिंग। इट मीन्स वी कैन से कि आइडियोलॉजी ऑफ फैमिली हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन, कि हमारे डिसीजन हमको कैसे लेने हैं, ये किसके ऊपर डिपेंडेट करेगा? इट्स वी डिपेंड ऑन द फैमिली, है ना। जैसे कोई भी स्टूडेंट है, चोरी कर रहा है, तो दूसरा उसको देख करके वही स्टूडेंट करेगा जो ऐसा फैमिली में, अगर नहीं तो वो नहीं करेगा, उसकी एक्सपेक्टेबल नहीं होगी। उसके परिवार में यदि ऐसा नहीं होता होगा या इसी तरह अच्छे से आइडियोलॉजी तो नहीं रखी होगी, तो डेफिनेटली इस तरह के उसे सिखा रखा होगा तो वो इस कार्य को नहीं करेगा। द फैमिली एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर सिटीजन एंड लिविंग ए बेटर लाइफ। अब देखो, फैमिली तो हमको सिखाती है, उसके साथ स्कूल, है ना। फैमिली और एंड स्कूल आर इंस्टीट्यूशन, ये दोनों कैसी इंस्टीट्यूशन है? विच शेप अस इनटू बिकमिंग बेटर, हमको शेप देती है, एक आकृति देती है एक अच्छे सिटीजन बनने के लिए। परिवार एवं स्कूल एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो हमारे को हमारे जीवन का सेफ लाइफ का, और हम लिविंग ए बेटर लाइफ, और हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एक बेटर लाइफ के लिए हमको कौन सिखाता है? फैमिली और स्कूल। व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बालक का जन्म होता है, इनटू ए फैमिली ही इज नरिश्ड बाय हिज पेरेंट्स। जब उसका जन्म होता है, उसके बाद उसका जो पालन पोषण है वो किसके द्वारा किया जाता है? उसके परिवार के द्वारा, उसके मम्मी पापा की ये एक ड्यूटी होती है कि अपने बालक को वो क्या करे, अच्छे तरीके से उसका पालन पोषण करे, दे नरिश बेटर वे। आफ्टर सम टाइम, उसके बाद में वो कहता है, इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद द नेबर्स। एक बालक शुरुआती दौर में जन्म के समय कहाँ आएगा? परिवार के ही कॉन्टेक्ट में। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो होगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, तो दूसरा उसका किसके साथ कॉन्टेक्ट होगा? नेबर्स के साथ, अपने पड़ोसी बच्चों के साथ खेलेगा, घूमेगा, रिलेशनशिप विद द नेबर, एंड देन ही गोज टू स्कूल। और उसके बाद में कुछ और ग्रो होगा तो
उसके बाद में वो कहाँ जाएगा, स्कूल में जाएगा, और स्कूल में जाने के बाद में क्या करेगा, कई बच्चों से अपनी फ्रेंडशिप करेगा, टीचर्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, ही लर्न मैनी थिंग्स, दुनिया की कई बातों से कई उसके लिए द्वार खुल जाएंगे। एज ही ग्रो कॉन्स्टेंटली इमिटेट्स हिज एल्डर टिल ही बिकम एन एडल्ट, और जब वो छोटा होता है तो जल्दी बड़ा हो जाऊँ ऐसा इमिटेट्स करेगा, वो छोटी बड़ी बातें ऐसी बातें करेगा और कुछ सीखेगा। Meanwhile, he comes into contact with the many social institution. और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा और अधिक से अधिक institutions के वो contact में आएगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा स्कूल आए, फिर वो सोशल इंस्टीट्यूशन आए और अपने फ्रेंड्स के क्लब्स आए, अपने फ्रेंड्स की ग्रुप आए, कोई पॉलिटिकल ग्रुप के साथ कांटेक्ट में आएगा, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में वह आगे बढ़ता जाएगा एंड मोल्ड एंड डेवलप हिज पर्सनालिटी, और वो उसे हेल्प करेगी जितने वो ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्ट में आएगा, विच हेल्प टू मोल्ड एंड डेवलप ही पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में उसको हेल्प करेगी, मतलब उसका जिस और डिजायर है, जिस उधर उसकी विश होती है वो उस और जाएगा। जब वो कब जाएगा, जब इफ वी कम टू इन कॉन्टेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इफ चाइल्ड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ एक बहुत बड़ी बात आती है, कई परिवार में क्या होता है, बच्चे को अवसर नहीं देते हैं, है ना, बच्चे को अवसर नहीं देके लेगा, लेकिन यहाँ दादाजी समझा रहे हैं कि इफ द चाइल्ड इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड टेक डिसीजन, यदि डिसीजन लेने का उसे अधिकार दे दिया है, फ्री रखा जाता है, तो ही विल बिकम ए गुड सिटीजन, वो एक अच्छा सिटीजन होगा। अब अच्छा सिटीजन क्यों होगा, क्योंकि कैपेबल टू अंडरस्टैंड द डिसीजन, क्योंकि वो डिसीजन को समझेगा, है ना, उसको समझ लेगा। तो अगेन इफ द चाइल्ड इज द गिवन टू अपॉर्चुनिटी थिंक टेक डिसीजन फ्रीली एंड ही विल हेल्प बिकम ए गुड सिटीजन, अगर वो अपने ऑन डिसीजन लेगा तो उसको डिसीजन लेने की कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी, वो अपने डिसीजन लेगा और आगे जब वो एडल्ट होगा, जब बड़ा होता जाएगा, तो इसके अंदर एक मैच्योरिटी प्रोड्यूस होती जाएगी और वो अपने अच्छे डिसीजंस को रख सकेगा। लेटर ऑन व्हेन ही बिकेम एन एडल्ट ही विल थिंक इंडिपेंडेंटली, और वो स्वतंत्र रूप से उसको समझ पाएगा। इन द सोशल एंड पोलिटिकल स्पीयर ऑफ लाइफ एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग सच सिचुएशन, विश्व में होने वाली उन सिचुएशंस के बारे में वो समझ पाएगा। इस तरह के से फादर यहाँ पे राजल ने अपने ग्रैंडफादर से पूछा था, उसने क्वेश्चन नंबर पुटअप किया था कि दादाजी, राहुल जुल आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर, उसके अपने ग्रैंडफादर से पूछा था, दादाजी शुड द ड्यूटीज परफॉर्म बाय ईच पर्सन बी फॉर द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के लिए सबकी ड्यूटी बनती है, क्या मेरे अकेले की ड्यूटी बनती है, एलोन शब्द दिया उन्होंने अपने दादा से पूछा कि क्या दादाजी मेरे अकेले की ड्यूटी बनती है, तो दादाजी ने उसको मना कहा, है ना, जैसा हमने इसके अंदर एक बात सीखी थी कि म्यूचुअल बात थी, म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए दादाजी ने आंसर क्या दिया, नो एट ऑल, सभी की सभी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, यू वर बोर्न इन अवर फैमिली, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, हमारे परिवार में, एंड विल रिमेन ए मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, और तुम हमारे इस परिवार के मेंबर हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर मदर एंड फादर, पहली ड्यूटी आपके मम्मी और पापा की आती है टू नरिश एंड प्रोटेक्ट यू, टू नरिश एंड प्रोटेक्ट यू, तो उनके पेरेंट्स की क्या ड्यूटी बताई, यहां नरिश, उसका पालन पोषण अच्छा करें और उसकी रक्षा सुरक्षा करें। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप करें तो अगर ब्रदर एंड सिस्टर, जो भी एल्डर्स ब्रदर होते हैं और सिस्टर्स होती हैं, उनकी ड्यूटी क्या बनती है एक चाइल्ड के प्रति, कि उसको साथ में खिलाएं, उसको कुछ सिखाएं,
ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर की ड्यूटी क्या होती है, उसको अच्छी अच्छी कहानियाँ सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, कुछ एटिकेट्स की बातें कराएं, कुछ अच्छी, जैसे यहाँ दादा राजल के जो राजुल के जो ग्रैंड फादर हैं वो उसको देखो कितना कितनी बड़ी बात बताई उसने कि फैमिली क्या होती है, हमें कैसे रहना चाहिए। तो एवरी यहाँ ये उसके दादा उसे समझा रहे हैं कि एवरी मेम्बर हैव देयर ड्यूटी टू देयर ओन मेम्बर्स, अपने अपने मेम्बर्स के लिए अपनी ड्यूटी होती है। अब आप राजुल को बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तो यूअर फर्स्ट ड्यूटी टू रेस्पेक्ट। अब सबसे पहले उन्होंने बताया कि तुम्हारी ड्यूटी क्या बनती है, तो रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। आपको क्या करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। अब यहाँ जो फैमिली के अंदर जो राजुल को जो उसके ग्रैंडफादर बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि व्हाट इज योर ड्यूटी। अब इस ड्यूटी से आपको लर्न सीखना है कि पहला क्या करना है, रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, मतलब जितने भी एल्डर्स पीपल हैं इन योर फैमिली, आपकी ड्यूटी क्या बनती है, यू रेस्पेक्ट, आप उनका रेस्पेक्ट करें। फिर इसके बाद में फॉलो द कस्टम, फॉलो द कस्टम ऑफ फैमिली, फैमिली का जो कस्टम है, जो ट्रेडिशंस है उसे स्वीकार करें, एंड ऑब्जर्व ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑब्जर्व ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन, सभी जो रूल्स घर के हैं, नियम हैं, उनको फॉलो करें, उनको समझें, उनका ऑब्जर्व करें एंड एडॉप्ट करें। Along with the being of the member of family, you are also student of your school. अब दादाजी उसको ये भी बताते हैं कि आप एक फैमिली के मेंबर्स तो हो, बट इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो स्टूडेंट, एक आप एक विद्यार्थी हो। अब आपकी क्या ड्यूटी होगी स्कूल के अंदर, फाइटिंग करना, लड़ना, झगड़ना, नो नो, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। क्या ड्यूटी बताई दादाजी ने, यू कोऑपरेट, कोऑपरेट विद ईच अदर, आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करना। फिर आपकी स्कूल के रूल्स को आपको एडॉप्ट करना है, अपनाना, टीचर्स का रेस्पेक्ट करना, उनको फॉलो करना। तो दादाजी कह रहे हैं कि अलोंग विद बीइंग ए मेंबर ऑफ द फैमिली यू आर आल्सो स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आप अपने स्कूल के स्टूडेंट भी होते हैं। टूवर्ड्स यू हैव ड्यूटीज टू परफॉर्म, आपको अपनी जो ड्यूटी परफॉर्म करनी है उसमें क्या बताया है, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद, क्या करना है, मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद क्लास। आपके स्कूल में जो भी अलग विद्यार्थी हैं, अपने क्लास के हों चाहे अदर हों, उनके साथ आपको अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं, एंड हैविंग हेल्दी एटीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, और स्केल के स्कूल के प्रति क्या करना है, हेल्दी एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड को आपको बनाना है। स्कूल आर सम ऑफ देम, सभी के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस द पर्सन हु इज बॉर्न इन इंडिया। अब आती है बात, आप मेंबर ऑफ फैमिली हो गए, मेंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल हो गए एज ए स्टूडेंट के रूप में, अब नाउ यू आर द मेंबर ऑफ अवर नेशन, हमारे कंट्री के, हमारे कंट्री
कि यू आर द बोर्न इन अवर कंट्री, आपका जन्म हमारे भारत देश में हुआ है, सो वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब हमारी क्या ड्यूटी बनती है? अवर ड्यूटी टू परफॉर्म टूवर्ड्स इज विलेज। हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप्स के ऊपर हमको अपनी ड्यूटी निभानी है। पहली ड्यूटी फैमिली की बात आई, सेकंड ड्यूटी स्कूल की आई, फिर अगले नेक्स्ट में अगर इफ वी डिस्कस अबाउट दैट तो विलेज की आएगी। है यू आर ऑल्सो द मेंबर ऑफ यूर विलेज, यू आर ऑल्सो सिटीजन, आप वहाँ के सिटीजन हो, तो आपको अपने विलेज, अपने ग्राम, वहाँ पे भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, सबसे मिलजुल करके रहना है। अब इसके बाद में जो लेवल आता है वो है तालुका लेवल पे भी आपकी ड्यूटी बन जाएगी। जैसे जैसे आप ग्रो होते जाओगे, आप जितने सारे इंस्टीट्यूशंस के कांटेक्ट में आओगे, आपकी जो ड्यूटीज है वो बढ़ती जाएगी। फिर आगे अगर आपका लेवल आता है तो वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के मेंबर होकर के आपको डिस्ट्रिक्ट के प्रति, अपने स्टेट के प्रति आपकी ड्यूटी, और अंत में नेशन की बात आती है, और नेशन के ऊपर की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के भी हम एक मेंबर हैं, और इस वर्ल्ड के लिए भी हमारी अपनी ड्यूटीज बनती है। आज अगर हमको भी ज़रूरत पड़े, जैसे इज यू नो अभी भी इंडिया इज इन क्रिटिकल कंडीशन, किसके साथ? चाइना के साथ, दूसरा इधर कोरोना, इन बोथ वे आर इन क्रिटिकल कंडीशन। क्या आर यू रेडी? आपको बंदूकें लेके भेज रहे हैं बॉर्डर पे, है ना, वी आर रेडी टू सेंड यू, आर यू रेडी? तो यह हमारी ड्यूटी बनेगी। अगर हमको वहाँ पे हमारी तरफ से जो हेल्प होगी, जरूरी नहीं है कि हम बंदूकें लेके जाए, लेकिन हमारी नेशन को हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वी ऑल लर्न फ्रॉम फैमिली से लगा करके इन सभी इंस्टीट्यूशन से हम सीखते हैं, और आगे जा करके हम कभी कभी हमारी कंडीशन ये बनती है कि हमें वर्ल्ड के लिए भी, है ना, हमें वर्ल्ड के लिए भी अपनी कोई ड्यूटीज़ निभानी है। तो दिस वे टुडे राइट, आई विल सेंड यू सम नोट्स टू यू, राइट अबाउट द फंक्शंस ऑफ फैमिली, आई फंक्शन अबाउट, राइट अबाउट द शॉर्ट नोट ऑफ द फैमिली। ओके, थैंक यू, जय श्री स्वामी नारायण।